everyone. My name is Dr. Jay Madaan and today I'm going to talk about tortoise. मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इसकी बात की जाए जो यूजुअली सबके घरों में देखने के लिए मिलता है. वी सी टॉर्टोइस एट एवरीवन्स हाउस. कई बार लोग इसको गलत डायरेक्शन में रख देते हैं, कई बार डिफरेंट शेप्स का होता है, कई बार एक के ऊपर एक होता है. एक्चुअली टॉर्टोइस का पर्पस क्या है, ये है क्या? आप सभी जानते हैं वो स्टोरी जिसमें समुद्र मंथन की बात हुई थी. इसके ऊपर समुद्र मंथन हुआ था तो टॉर्टोइस ने स्टेबिलिटी का काम किया था. बिल्कुल यही इसकी रेमेडी भी है. जिस एरिया में लाइफ में स्टेबिलिटी ना हो वहाँ हम टॉर्टोइस को यूज़ कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा इंस्टेबल क्या होगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी हिल जाएगी, ये दो चीज़ें हैं, एक मनी एंड एक हेल्थ. जब आपकी ज़िंदगी में पैसा स्टेबल नहीं होता, रिलेशनशिप्स हिल जाते हैं, स्ट्रेस हो जाती है, लोगों में रिस्पेक्ट नहीं रहती, बहुत सारे और वेरिएशंस इसके साथ जुड़ जाते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि टॉर्टोइस को हमेशा नॉर्थ में रखो. देखिए जब आप नॉर्थ में टॉर्टोइस रखते हैं तो आपको इसको पानी में रखना है. आप जानते हैं टॉर्टोइस इज़ वेरी कम्फर्टेबल इन वाटर एंड ऑन लैंड एज वेल. इसीलिए जब आप इसको नॉर्थ में रखते हैं तो इसकी जो टेल है, पूंछ है, वो पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ होनी चाहिए, ऐसे जैसे ये नॉर्थ से चलता हुआ आ रहा है. जब ये नॉर्थ से चलता हुआ आता है तो ये पैसे का अवतार बन जाता है. इसको पानी में रखेंगे तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी. ठीक इसी तरीके से अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपको पता है टॉर्टोइस का शेल कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ज़मीन पे ऊपर से गिर जाता है तब भी कुछ नहीं होता. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज समवेयर अराउंड 120 टू 150 ईयर्स. इतनी लंबी उम्र होती है. अगर आप इसको नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे आपके यहाँ से हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगे. सेकेंडली जब आप टॉर्टोइस को नॉर्थ ईस्ट में रखें तो अपना मेडिसिन बॉक्स, अपनी दवाइयाँ भी उसके आसपास रखें. बिकॉज यू हैव टू डायरेक्ट दी एनर्जी. ऐसा नहीं होगा कि हमने कहीं पर कुछ भी डाल दिया. इट नीड्स टू अटेंड टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि हम ये कर क्यों रहे हैं. आखिर आपका घर आप ही का तो सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन है. क्यों आप एक शॉप पे जाते हैं, 100 चीज़ देखते हैं, एक चीज़ पसंद करते हैं, फिर घर पर लाकर उसको एक सेपरेट कॉर्नर पे रख देते हैं. दिस इज़ वाई, बिकॉज योर हाउस इज एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. इसीलिए जब आप कोई रेमेडी करें तो उसको क्लियर इंटेंशन के साथ करें सो दैट यू कैन गेट अमेजिंग रिजल्ट्स. अगर हमें रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे भी तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो टॉर्टोइस को सिंगल नहीं रखिए, पेयर में रखिए या फैमिली के साथ छोटे बड़े टॉर्टोइस मिला कर रखिए. तब आपको इसको साउथ वेस्ट में रखना है और ये ब्रास का होना चाहिए जैसे कि मेरे हाथ में है. तब ये रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी लाता है. सो आई विल रिपीट माई सेल्फ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टॉर्टोइस को हमें पानी के अंदर रखना है और पानी के अंदर जब हम टॉर्टोइस रखेंगे तो वो सिल्वर कलर का या सिल्वर मेटल का होना चाहिए. इसकी टेल पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ होनी चाहिए और इसको ज़मीन पे रखना है. जब हमें हेल्थ की स्टेबिलिटी चाहिए तो आइडियली टॉर्टोइस जो है ये ब्राउन कलर का हो या वुड का हो. इसके साथ में मेडिसिन बॉक्स ज़रूर रखना है बिकॉज हमें किस चीज़ में स्टेबिलिटी चाहिए, माइंड में नहीं हेल्थ में, तो नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑल्सो फॉर हेल्थ, तो इसलिए मेडिसिन बॉक्स साथ में रखना है. जब हमें रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी चाहिए तो ब्रास का या गोल्डन कलर का टॉर्टोइस होना चाहिए एंड टू बी प्लेस्ड इन साउथ वेस्ट. बट सिंगल नहीं रखेंगे, दो तीन मिलाकर रखेंगे, एज अ ग्रुप रखेंगे. दिस विल गिव यू स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप्स. सो ट्राई प्लेसिंग अ टॉर्टोइस एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ.